कुंवर प्रताप, आप तो सदा सजग रहते हैं, वरना आपको किसी असामान्य की खोज हो, फिर कैसे जाने दिया आपने उसे? खोजबीन से भी आपने हमें रोक दिया। अगर हम उसी समय उस क्षेत्र को घेर लेते और एक एक व्यक्ति से पूछताछ करते तो वह संदेहास्पद व्यक्ति अवश्य पकड़ा जाता। राजीराज, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें लाभ के स्थान पर और अधिक हानि होगी। आज जो हमारी प्रजा इतने प्रेम और उत्साह के साथ हर छोटे बड़े समारोह में खुलकर आती है, यदि हम उन्हें घेर कर यूं पूछताछ करेंगे तो पूछताछ राजीराज उन्हें कैसा लगेगा? और इतना सब कुछ करने के बाद हमें वो व्यक्ति मिल जाता, इसका भी कहां विश्वास था हमें? कौन व्यक्ति मिल जाता? किसकी बात कर रहे हैं आपको और प्रताप? बोलिए कौन प्रताप, किसकी बात कर रहे हैं आप? वही दुर्गंध राजीराज, किंतु इस बार इसे इत्र से छिपाने का प्रयास हुआ लगता है। वही नसों में झंझनाहट उत्पन्न करने वाला लिज लिजा सा स्पर्श। ये आप क्या कह रहे हैं कौर प्रताप, खुलकर कहिए। कहीं आप उसी व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहे जिसके छूने से आपको दुर्गंध आई थी? बोलिए कौर प्रताप, आप चुप क्यों हैं? यदि आपके पीछे कोई है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। उत्तर दीजिए कौन प्रताप, यदि कोई है तो हमें शीघ्रता शीघ्र उसके बारे में पता लगाना होगा। निसंदेह बाजीराज, हम भी 100% सहमत हैं राणा जी से। बताइए। हम इन्हें चिंतित नहीं कर सकते, विशेषकर तब जबकि हमें कुछ भी नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में। उत्तर दीजिए कौन प्रताप। हो सकता है दाजीराज कि उस दुर्गंध ने हमें बार बार छूकर हमें इतना चिंतित और दुखी कर दिया। एक बार उसे ढूंढने की इच्छा और प्रयास में हमसे कोई गलती हो गई हो। कुंवर प्रताप, ये हास परिहास का समय नहीं है और ना ही हम आपकी सुरक्षा में कोई कमी कर सकते हैं। अगर कोई गंभीर बात है तो आप हमें अभी बताइए। बोलिए क्या गंभीर बात है? कोई गंभीर बात नहीं रानी माँ, क्या बात हो सकती है? दाजीराज तो वैसे ही हमें लेकर इतने चिंतित रहते हैं। क्षमा कीजिए रानी साहब, हमें भी पता नहीं कि बात क्या है। हमें भी कुछ नहीं पता। सुनो, सिंधी महल में जाकर इसे हंसाबाई के हाथों देना है और किसी को नहीं देना है, समझ गए? अरे अजब, फूल फूल अजब, बस बस बहुत हो गया। हाँ, अब बाकी बातें कल कर लीजिएगा, हमें बहुत नींद आ रही। वैसे भी कल बहुत व्यस्तता है ना, कल हल्दी है। चलो चलो, अभी चलो, जाकर आप दोनों सो जाओ, सो जाओ जाकर। हंसा, हम मानकर चल रहे हैं कि ये पत्र आप सबसे छिपाकर एकांत में ही पढ़ रही होंगी। राव अमरक जी ने आपको बताया होगा कि क्या हुआ उस सोने की तलवार का। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि भला तिलक की तलवार ऐसे कैसे गायब हो सकती है। फिर इस पर हमने बहुत सोचा और सोचने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी भी कोई तो है हमारे बीच या हमारे आसपास जो प्रताप और अजबदे का विवाह नहीं होने देना चाहता। कोई तो है ऐसा जो इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। हो सकता है यही है वो जिसने असली कुंडली नष्ट करवाकर झूठी कुंडली बनवाई, किंतु हमें
सजग रहते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ना है। आज तो उमा जीजा हम रंगे हाथों पकड़े जाने से बचे हैं, और इसमें दोष भी हमारा ही था। उत्साह के अतिरिक्त में हमने तिलक की तलवार वाला विषय आवश्यकता से अधिक खींचा कि सभी लोग न केवल हमारे विरुद्ध हो गए बल्कि परिणाम भी क्या निकला, बातें तो सारी सुलझ गई और वही नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हमारा सारा षड्यंत्र निफल हो गया जीजा, इसीलिए हम आपको ये लिख रहे हैं कि भविष्य में अब हम कोई भी चाल चले तो अधिक सजग हो जाएं, क्योंकि आपने स्वयं देख लिया होगा कि रावत जी इनके लिए जैसे इस बार खड़े हुए थे वैसे ही ढाल बनकर आगे भी खड़े हो जाएंगे, और राणा जी इन पर अंधा विश्वास करते हैं। घबराइए मत जी, हमने अब तक आस नहीं छोड़ी है, बल्कि हमें तो आपकी कुटिल बुद्धि पर इतना विश्वास है कि हम जानते हैं कि इस विवाह को रोकने के लिए आप अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। चिंता मत कीजिए, अगर आवश्यकता पड़े तो हम इस विवाह को रुकवाने के लिए षड्यंत्रों का पूरा चक्रव्यूह रच देंगे। कोई तो है जो इस विवाह को नहीं होने देने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रहा है हमसा, पर जब तक हम उसका पता ना लगा लें हमें बस थोड़ा अतिरिक्त सजग रहना होगा। जैसे जो जो विवाह की घड़ी पास आती जा रही है आपकी ओर से बार बार कई भेंट व उपहार आपके महल से हमारे महल भेजे जाएंगे। आप जो कुछ भी भेजें उस पर स्वस्तिक चिन्ह लगा दें, जिससे हमें ये पता चल जाए कि सचमुच क्या क्या भेजा है आपने, और षड्यंत्रकारी कुछ बीच में डाले तो उसे सरलता से पकड़ पाए हम। अब विवाह की तिथि निकट आ रही है जीजा, कई भेंट उपहार सिंथी महल से हमारे महल भेजे जाएंगे। सबसे निकट जो प्रताप के लिए आपकी ओर से भेजा जाने वाला है वो है हल्दी। हम आपका संकेत समझ गए थे। कोई है क्या? हुकुमरानी साहब, जाओ देख कर आओ कि कर्मकारों ने दर्पण तैयार किया कि नहीं, जो फूल कंवर अजबदे के विवाह में उन्हें भेंट करने वाली है। जो हुकुमरानी साहब, हम यहां थे और प्रजाजन हमारे सामने, और फिर हमें एक लाल रंग का पात्र दिखा था। हो सकता है कि ये कोई हमारा ही सुरक्षित संदेह हो, क्या पता हम ही इस आवश्यकता से अधिक महत्व दे रहे हैं। सोचिए प्रताप, सोचिए और ध्यान लगाकर सोचिए। क्योंकि इस दुर्गंध से जुड़ी सारी समस्याएं, सारा संदेह केवल हमें ही नहीं, हमारे विवाह में उत्साह और उल्लास से जुटे हमारे सभी परिवार वालों को भी प्रभावित करने लग गई है। ऐसे में हम कोई गलत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वही पात्र अर्थात कोई जानबूझकर हमारा ध्यान इस लाल पात्र की ओर खींचकर हम पर आक्रमण करना चाह रहा था।
पर था कौन? बड़ी गम्मा रानी सा, फूल को और भाई सा के ओर से दुल्हन के लिए ये भेंट तैयार है, कैसा लगा आपको? ये दर्पण अगर थोड़ा और स्पष्ट और चमकता हुआ होता तो इस रसायन से ये दर्पण में चमका देती हूँ, बहुत ही चमत्कारी रसायन है ये। अच्छा, दिखाइए तो सही। नहीं, ये बहुत ही विषाक्त रसायन है, ये जो त्वचा पर गिरता है ना तो पूरी त्वचा जला के राख कर देता है। झूठ बोल रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रताप सिंह, अब तो जी कर रहा है कि हम शीघ्र ही इससे आपका चेहरा भी इसी फूल की भांति जला कर राख कर दें और उस समय सभी लोगों के चेहरों को देखें जो आपके जले चेहरे को देखकर सहानुभूति दिखाए। देखो, फूल जल गया ना। हमें पूरा विश्वास है कि ये चमत्कारी द्रव्य हमारी पोती की अनुपम भेंट को सदा चमकता हुआ रखेगा। बिल्कुल महारानी सा। सुनो, हम यहाँ पर आए थे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मारवाड़ की महारानी सदा अपने उपहारों से सबको चमकृत करने में विश्वास रखती है, जानती है ना आप? पीसों से हल्दी एकदम मुलायम होनी चाहिए। ध्यान रहे, चंदन सही अनुपात में ही डालिएगा, ना कम ना अधिक। यदि अधिक डल गया तो हल्दी की नैसर्गिक सुगंध हो जाएगी, समझ गई ना? अच्छा, वो पात्र कहाँ है जो वर के यहाँ जाने वाला है? ठीक है, इसे हमारे पास ही रहने दीजिए, आप हल्दी का लेप बनाइए। क्या कर रही हैं मासी? वो कुछ भी तो नहीं भूल। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? कोई बात नहीं, कल रात भी हमने आपको बहुत चिंतित देखा था, इसीलिए हम यह पता लगाने आए थे कि बात क्या है। और इस समय भी आप बहुत चिंतित हैं। यदि आप सचमुच हमें अजब देके समान अपनी पुत्री मानती हैं, तो बता दीजिए ना मासी, समस्या क्या है? यदि आप हमसे नहीं बांटेंगी तो और किससे बांटेंगी? आप अजब दे को नहीं बताएं, समझ आते हैं, क्योंकि उनका विवाह होने वाला है, कम से कम हमें तो बता सकती है ना। कोई है जो इस विवाह को भंग करने का षड्यंत्र रच रहा है? क्या? पता नहीं कहाँ चल गई। हमें तो ये भी नहीं पता कि हल्दी के लिए उन्होंने हमारे लिए कौन से वस्त्र निकाल के रखे। रुके, फूल को देखा है आपने कहीं? फूल का वर्षा तो आपकी माँ के पास है। धन्यवाद। क्यों तो हंसा मासी जी, कौन है जो इस विवाह को भंग करना चाहता है? आपको किसी पे संदेह है? यहाँ तो सब अपने ही, किंतु कोई अवश्य है, या तो वो इस महल में या फिर चित्तौड़ वाले महल में। इसलिए जयमता और हमने तय किया है कि हम अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। यहाँ से जो भी सामान चित्तौड़ वाले महल जाएगा, उस सामान पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, ताकि जयमता भाई जी
ये तय कर सके कि वह सामान हमने निरीक्षण करके भेजा है। हम पूरी तरह आपके साथ हैं मासी जी, बस एक बार पता लग जाए हम छोड़ेंगे नहीं उस दुष्ट को। कौन दुष्ट? वो फूल कह रही थी कि जब इनका विवाह होगा ना, तब यदि इनके बीन ने हल्दी की रस्म में इनकी झूठी हल्दी लगाने से मना कर दिया तो ये उन्हें छोड़ेंगी नहीं, है ना फूल? छोटन? हाँ छब्बे, ये तो रीत है ना। अब जैसे आपको जो हल्दी उपटन लगाई जाएगी, फिर वही बची हुई हल्दी उपटन और प्रताप के लिए चित्तौड़ वाले महल भेजी जाएगी और फिर कुंवर प्रताप को वही हल्दी उपटन लगाई जाएगी। अब एक प्रकार से कि आपकी छूटन ही हुई ना। अच्छा ये बात है, किंतु हम कहते हैं कि उस छूटन के लिए कोई भी वर मना ही नहीं करेगा, देख लीजिएगा। क्या किसी की झूठन वाली हल्दी? नहीं नहीं, हम नहीं लगाएंगे किसी की बची कुछ हल्दी। वो भी एक लड़के की झूठन वाली हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं रानी माँ। कुंवर प्रताप, वो लड़की आपकी होने वाली पत्नी है। छोटी माँ, हमें पूरा विश्वास है कि हल्दी उपटन बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो हमारी पहल की पाकशाला में होगा। आप एक काम कीजिए ना, आप वहाँ जाके वो सारा सामान लेकर हमारे लिए एक नया हल्दी उपटन बनाइए। हमारी रानी माँ तो बस, अब देखिए अपने एक लौते पुत्र के लिए क्या वे थोड़ी अलग से हल्दी नहीं निकाल सकती थी? झूठा हल्दी लगवाना चाहती वे, वो भी किसी के प्रयोग में आई हुई। क्या हुआ, हमने कुछ अनुचित कह दिया? इतना बलबुद्धि का विकास हो गया आप में, किंतु हमारे पारंपरिक रीतों का जरा भी ज्ञान नहीं है आपको। ओहो रानी माँ, तो फिर करवाइए ना हमें रीतों का ज्ञान। तो समझिए ना हमारी रीत को, यही है हमारी रीत, इसी रीत से होता है हमारे यहाँ विवाह। किसी की झूठन वाली हल्दी लगवा के? ये क्या झूठन झूठन बोल रहे हैं आप? पहले इनके पीछे जो भावनाएं हैं उन्हें समझ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि साझा उपटन करने से विवाह करने वाले दो शरीरों के मन और आत्मा एक हो जाते हैं। ठीक है रानी माँ, हम समझ गए। मतलब सोच समझ कर बनी है रीतें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब आएगी उपटन तो लगवा लेंगे हम, क्या करें, अब रीत तो रीत है। मासी जी, यदि आप इस गति से लगाएंगे हल्दियाँ जब देखो, फिर तो इनके फेरे अगले वर्ष में ही होंगे। यही योजना है ना आपकी? नहीं नहीं फूल, पहले इन्होंने अपनी सहमति देने के लिए हमसे इतने हाथ जुड़वाए, अब और नहीं। हम तो चाहते हैं कि बस बिना किसी बाधा के शीघ्र अति शीघ्र इनका विवाह हो ही जाए। हल्दी लग गई है जब देख, आप चाहे तो भी नहीं मिल सकते कुंवर प्रताप से। अच्छा सौभाग्यवती, आप तो विवाहित हैं ना, फिर भी आप नहीं मिलते अपने पति से, वो क्यों?
में जितनी हल्दी लगा लो कौन सा ये खूबसूरत बन जाएगी। महारानी उमा देवी जी आप आइए ना, आप वहां क्यों खड़ी? नहीं नहीं हंसा जी, हमने सोचा कि आपके परिवार के संस्कार चल रहे हैं तो पता नहीं हमारा आना आपको कैसा लगे, और वैसे भी हमें तलवार के खोने का बहुत दुख सताया जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी देखरेख में वो तलवार कैसे गायब हो गई। उमा देवी जी, यदि आप अपने आप को बाहर वाला समझती हैं तो अवश्य ये हमारा अपराध है। आपसे अधिक निकट संबंधी भला कौन हो सकता है हमारा? आपके बिना तो हर संस्कार अधूरा है। और रही बात उस तलवार की, तो वो समस्या तो कुंवर प्रताप राव जी और राणा जी ने कब की सुलझा दी, कोई नहीं सोच रहा है उसके बारे में। आप तो आइए और हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जितनी अधिक सुहागन स्त्रियां उन्हें आशीर्वाद देंगी उनका सौभाग्य उतना ही अधिक बढ़ेगा। अब आप इतना दबाव डाल ही रही हैं तो ठीक है। आई दादी माँ, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। जब देखो रहने दीजिए ना फूल। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, हाँ। आपने आशीर्वाद नहीं दिया। जब देखो हाँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इन्हें क्या हुआ जयंता भाई जी? आज तक हमने कुंवर प्रताप को इस तरह से लजाते हुए कभी नहीं देखा। क्या कह दिया आपने इन्हें? हल्दी संस्कार का औचित्य जानना चाहते थे वे। हमने बता दिया। क्या हुआ वीर भाई जी, आप इतने उदास क्यों हैं? हमारी लगन की हल्दी हुई ही नहीं, हमें ये अवसर अभी मिला ही नहीं। चलते हैं चलते बच्चे। ये सारा सामान गिनकर और सूचीबद्ध करने के बाद यहाँ से लेकर जाना। और हाँ, मार्ग में कहीं पर भी नहीं रुकना है। हल्दी का और भेंट के सारे उपहार यहाँ से निकलने के बाद सीधे महारानी जयवंता बाई जी के पास ही पहुँचने चाहिए। समझ गई ना आप सब? हंसा जी, महारानी जी खम्बा खड़ी, हमारी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक बोल दीजिएगा। नहीं नहीं महारानी जी, आपने बोल दिया, हम तो निहाल हो गए। वैसे सभी काम हो चुके हैं, भिजवाना भर बाकी है। अरे इस पाथ पर तो हमने बनाया ही नहीं स्वास्तिक का चित्र। किसने रखा ये पाथ यहाँ? उत्तर दीजिए हमें। हमने तो नहीं कहा था इसे यहाँ रखने के लिए। बताइए किसने रखा ये पाथ यहाँ? दूसरी कोई और बात नहीं सुनेंगे।
उत्तर दीजिए हमें, किसने रखा इसे यहाँ पर? शांत हो जाइए हंसा जी, शांत हो जाइए। ये पात्र तो हमारे हिसाब से जाना भी नहीं था, ये तो मिर्चों से भरा हुआ है। हंसा भाई जी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांत हो जाइए। एक बार गलती हुई इसका अर्थ ये नहीं कि बार बार गलतियां होंगी। अगर आप कहें तो हम चले जाते हैं हल्दी सवान के साथ, आप लोगों की चिंता भी चली जाएगी। चलिए चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब रावत जी ने इस पर कठोर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले ही लिया है, तो किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। देख लीजिए महारानी से, इस बार कोई त्रुटि नहीं मिलेगी आपको। आप तो हमें लज्जित कर रहे हैं रावत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये देख रहे थे कि लगन की मेहंदी के साथ इतने उपहार भेंट भेजे हैं हंसा ने, इन सब की क्या आवश्यकता थी? सुनिए, ये हल्दी का पात्र महारानी सा के हाथ में दीजिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। रख दीजिए वहां पर। आ गई कुंवर प्रताप की हल्दी। जीजा, हम ले जाते हैं इसे उपटन बनाने के लिए, ये काम हम ही करना चाहते हैं। क्यों नहीं रानी साहब, यदि आप ये काम नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? आप पाउजीराज प्रताप की छोटी मासा जो है, और फिर आपके होते हुए पाउजीराज को प्रतीक्षा क्यों करनी पड़े? आभूषण है जो कुंवर प्रताप को हमें भेज रहे, आप इन्हें जाके वहाँ रख दीजिए। महारानी साहब, पहले हम हल्दी का पात्र रख के आते हैं, फिर आपसे आके ये लेके जाएंगे। आप हमें मना कर रहे हैं? आप जानती हैं हम मारवाड़ की महारानी हैं, और हमारी कोई अविज्ञा करे तो उसका जीवन सुरक्षित नहीं रह पाता, हम स्वयं जाकर रखाते। महारानी साहब हमें क्षमा कर दीजिए, दिखाइए हमें आपको कहाँ छोड़ रहे हैं। अब बस हमारा वो विशेष हल्दी का पात्र सुरक्षित प्रताप तक पहुंचा। क्या कर रही हैं? हम हवा खा रहे थे। हवा? अरे वाह, जहाँ पर एक भी झरोखा नहीं है वहाँ पर आप हवा खाने आई हैं। हमें तो लगता है सचमुच आपको आपके जोधपुर के हवादार महल की याद आ रही है। हाँ
बहुत हंसी आ रही है ना आपको अजब, लेकिन ध्यान रखिएगा जो पहले बहुत हंसते हैं ना उन्हें बाद में बहुत रोना पड़ता है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो हमने कुछ गलत कह दिया था बस इसीलिए। आप भी ना अजब थी महारानी जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे अजबते की ओर से। वो क्या है ना, हमारी प्रसन्नता की बावली हो गई है हमारी पुत्री, इन्हें ध्यान ही नहीं रहता छोटे बड़े का। कोई बात नहीं हंसा जी, चलिए छोड़िए इस बात को, हम आपके पास ही आ रहे थे आपको आमंत्रित करने के लिए। वो आज रात को संगीत है ना, आज अजबदे को लगन की हल्दी जो चढ़ी बस इसीलिए आज सारी स्त्रियां गाने बजाने के लिए एकत्रित हो रही हैं। आप भी आइएगा। हमें नहीं लगता कि हम आ पाएंगे, वो हमारे पैर में मोच आई हुई है। तो दर्द निवारक तेल लगा लीजिए दादी माँ, इसमें क्या बात है? नहीं नहीं फूल, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिखना है, हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप भी क्या करती हैं, थोड़ा ध्यान रखा करिए अपने आचार व्यवहार का। अजब थे, हमारी दादी माँ ने आपको चुपती बातें बोली, उसी से आहत है ना? नहीं फूल, चुपती बातें सुनने का था हमें बचपन से अभ्यास, किंतु अभी जो हमने देखा, यदि आप भी वो देखेंगे तो आप भी हमारी तरह चिंतित हो जाएंगे। अभी अभी महारानी जी कह रही थी कि उनके पाँव में गहरी मोच आई है और इसीलिए वे लंगड़ाते हुए भी गई हैं, किंतु अभी देखिए कैसे चल रही है वे। कोई बात तो अवश्य आ जाती है। हम अपने कक्ष में जा रहे हैं ये देखने कि अजबदे के घर वालों ने हमें क्या क्या आभूषण भेजे हैं। ध्यान रहे कि हमें कोई तंग ना करे। अपना काम कर दिया धीर, हमने हल्दी में विषाक्त मिला दिया है, अब प्रताप के मुंह कर उसके अस्तित्व को बिगाड़ना आपके हाथ में है। हम आशा करते हैं आप इन दोनों कार्यों में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद माची जी, बहुत धन्यवाद, हम अवश्य कुंवर प्रताप का मुख काला करेंगे अवश्य। सोच लीजिए वाजीराज, यदि एक बार आपको हल्दी लग गई तो फिर आपका अजबदे के साथ मिलन असंभव हो जाएगा। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, रीत है तो फिर कैसे मित्र हैं आप? कम से कम एक बार मिलने की व्यवस्था करवा देते। ये लीजिए अपने हाथ के उस लुच लीजिए स्पर्श और दुर्गन को लेकर विचलित आप थे और दो समय दे रहे। वाह, देखा सोचने लगे ना फिर से उस दुर्गंध के बारे में। चक्रपाणि, कम से कम इस समय तो आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, विवाह करने जा रहे हैं ये,
और जानते हैं ना आप अपने मित्र को, किसी भी चुनौतीपूर्ण बात को सुनते ही ये सहज सांसारिक मार्ग भूल जाते हैं। किंतु महारानी जा, ये तो पहले लगता है इस पर हंसा ने दूसरी ओर स्वस्तिक चिन्ह लगा दिया है। देखे तो हीजा, उम्र में सबसे छोटे हम हैं, इसीलिए कुंवर प्रताप को सबसे पहले हल्दी लगाने का अधिकार हमारा ही हुआ ना। हम ही लगाएंगे ना इनको सबसे पहले हल्दी। हमें तो पहली बार हमारी सारी योजना इतनी त्रुटिहीन लग रही है कि क्या बताएं। असली हल्दी पात्र के स्थान पर हमें अपना रसायन मिला हल्दी पात्र रख दिया। अब देव हल्दी समारोह का ऐसा आनंद उठाएंगी जैसा ना आज तक किसी ने उठाया होगा और ना भविष्य में ऐसा कोई आनंद उठाएगा। आपने वीर भाई जी, कुंवर प्रताप को सबसे पहले हल्दी लगाने का अधिकार तो उनकी सबसे छोटी माँ का होना चाहिए। आइए। रुक जाइए, क्यों रोक रही हैं आप धीर भाई जी? लगाने दीजिए इन्हें हल्दी, वैसे भी बहुत विलंब हो चुका है। विलंब की आड़ में परंपराओं को भुला दो। आप तो स्वयं इतनी गुणी और ज्ञानी हैं जीजा, आपकी आंखों के सामने कुंवर प्रताप की हल्दी में राज परिवार की परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, आपको ये ठीक लग रहा है? जीजा, हमसे कुछ अनुचित हुआ? हुआ नहीं है, परंतु हो सकता था, अब इसमें आपका दोष भी नहीं है। आपको राजसी परंपराओं का भान ही नहीं है, वो तो चीजा का अतिरिक्त स्नेह है कि आप हर बात में विघ्न डाल देती हैं। वर को सबसे पहले जो वरिष्ठ माँ होती है वो हल्दी लगाती है, हम भी नहीं लगा सकते। और आप तो जानती हैं कि हम कुंवर प्रताप की सबसे प्रिय माँ हैं, फिर भी नहीं। लीजिए जीजा, आप लगाइए कुंवर प्रताप को हल्दी। अब जिसे भी लगानी है हल्दी तुरंत लगाइए ना। एक माँ स्वयं अपने ही हाथों से अपनी संतान का मुंह बिगाड़े, इसे देखकर उतनी ही अलौकिक प्रसन्नता होगी जितनी ही प्रसन्नता किसी मूर्तिकार को अपनी ही मूर्ति बिगाड़कर देखने में मिलेगी। लगाइए जयवंता भाई जी, हल्दी लगाइए। क्यों किया आपने ऐसा दादी माँ? आप जो जो कर चुकी हैं उसके उपरांत भी यहाँ के लोगों ने आपको इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान किया आपका, इतना ध्यान रखा आपका, और ये प्रतिसाद दिया आपने इनके अच्छेपन का? यदि ये सामंत परिवार हमारे साथ अच्छा है तो ये इनकी विवशता है। मारवाड़ की महारानी है हम, महारानी है। इनके पास विकल्प क्या है? हाँ, आपको क्या लगता है हमें निकाल पाएंगे? इतनी हिम्मत है इनकी? अब किस संसार में रहती है फूल? हाँ, मित्रता की अंधी भावनाओं में आपको सच दिखाई नहीं दे रहा है फूल, लेकिन सच तो यह है
ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। दादी माँ, शांत हो जाइए। हम पूछते नंद महारानी जी, आप क्यों करिए ऐसे? कारण तो आप स्वयं हैं। ना आप हमें अच्छी लगती हैं, ना आपका चेहरा हमें अच्छा, ना आपका ये साधारण सामंत परिवेश अच्छा लगता है, और ना ही आपकी फूल से हमें निकटता अच्छी लगती है, और ना ही आपका प्रभाव हमें अच्छा लगता है जो फूल पर है। यदि आप जैसे लोग महत्वपूर्ण रियासत की रानी महारानी बनने लगे ना, तो हम जैसे असली राजसी रक्त की शुद्धता, उसकी गरिमा और परंपरा का तो नाश निश्चित है। बस करी दादी माँ, बहुत हो चुका। आप हमसे घृणा करती हैं, ये हम बहुत पहले ही समझ गए। तुम तो कोई बता सकते उन्हें क्यों हानि पहुंचाना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी फूल को ठुकरा कर तुम्हें चुनने का अपराध किया था, इसलिए हम चाहते थे कि उस विषाक्त हल्दी के द्वारा उनका मुंह जलाकर राख कर। जिससे कि विवाह होने से पहले उनका विवाह टूट जाए।